योगा परिवार आपका स्वागत करता है और थिएट्रिक्स प्रस्तुत कर रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा। लेखक श्री भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आलेखन दीप पंचाल, निर्देशन हुसैनी दवावाला। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी के महाराज चौपट राजा बदार रहे बंसी पान वाले को 40 कोड़े मारे जाए। अरे महाराज, देखिए आप है ना सुपंथा के नाम से डरे, पान से नहीं। ठीक है तो सुपंथा को फांसी दे दो। और महाराज सुपंथा तो रामायण में थी। हाँ, यहाँ नहीं है। नहीं तो तुम दोनों रामायण में जाओ, वहां फांसी दे दो। महाराज, इनको पान खाने की बहुत जरूरत है। खिला दो। अच्छा बालिके, क्या समस्या है? एक मिनट, या तो रोलो या तो बोलो, या तो बोलो या तो रोलो। ये रोलो बोलो, रोलो बोलो मत करो। बोलो कलो बनी की दीवार गिर गई, दीवार के नीचे दब के मेरी बकरी मर गई। अब रोलो, जाओ दीवार को लेकर आओ। वो तो गिर गई ना, टूट गई। वो नहीं आता थी सर दीवार। ठीक है तो उसके भाई बहन को बुलाओ। दीवार के भाई बहन नहीं होते। नहीं होते? ठीक है तो कल्लू बनिए को बुलाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, तो बोल सिंह इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया। क्यों रे कल्लू बनिए, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि वो गिर गए और दबके इसकी छोकरी मर गए? महाराज तो मेरी गलती नहीं है, वो दीवार मेरी है, बनाई मैंने नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर बनाता है दीवार, ऐसी कहाँ गई? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, मतलब तुम्हारी ही गलती है। क्या है? अरे मैं क्या कर रहा हूँ आपका ये जो आदि ये कहाँ गया? मैंने भेज दिया वापस। भेज दिया? अरे मुझे न्याय करना है, मुझे फांसी देनी है। अरे महाराज उसमें उसकी गलती नहीं थी। तो किसकी गलती है? कॉन्ट्रैक्टर महाराज, कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी ना, उसे बुलाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर? अरे कॉन्ट्रैक्टर तो उसे बुलाओ। कॉन्ट्रैक्टर हाजिर हो। मानिया आरा दिल के शहर में गम का पा
अट्रैक्ट हो गया। क्या बोलते भाई, मस्त बॉडी बिल्डिंग बना रहे हो हां, जिम में जा रहे हो। सही है सही है। ए यार क्या हो रहा है, कुड़िया बिड़िया खत्म हो गया तो। भाई भाई शायद शायद वो दीवार जो है ना तुमने कमजोर बनाई, वो गिर गई और दबके इसकी टोकरी मर गई। बकरी मरी है तो मैं क्या तुमको मटन बिरयानी बनाने वाला दिख रहा है? दीवार गिरी है तो चूने वाले को पकड़ने का ना, मैं उसको दिया कॉन्ट्रैक्ट उसको बनाने का। मेरा खाली पीरियड टाइम वेस्ट नहीं करेगा ना, मैं घुसेड़ देगा। ठीक है तुम जाओ, चलो। ए इसका ना तुम्हारी बेटी के साथ बम बम चालू है क्या? एक मिनट, ये बम बम क्या है? यार बम बम तुम आदमी डम है। नहीं ये बम बम क्या है? आपकी बेटी और ये बैठ कर शिव भगवान को याद करते बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। बहुत भक्ति करते महाराज हम, बहुत भक्ति करते। हाँ मेरी बेटी का नाम भक्ति है। क्या समस्या है तुम्हारी? हाँ हाँ कुछ समझ नहीं आया। महाराज कल्लू बनी की दीवार गिर गई, दीवार के नीचे दबके मेरी बकरी मर गई। ठीक है, किसे बुलाए? मजदूर महाराज। मजदूर चुने वाला? हाँ महाराज, मैं चुने वाले को बुलाता हूँ। तो बुलाओ। चुना वाला हाजिर हो। चूने वाले, तूने चूना क्यों ऐसा बनाया कि दीवार कमजोर बनी, वो गिर गई और इसकी मकड़ी मर गई? क्यों रे चूने वाले? तूने चूना ऐसा बनाया, दीवार कमजोर गिरी मरी। What are you saying? I'm not able to understand. Can you please come again, your highness? Bani 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 ra bani. चूने वाले कम ऑन, इट्स ऑन ही मेकिंग बवाल। ये क्या था? क्या मतलब महाराज? मैं मजदूर को बुलाता हूँ। महाराज आप ऐलान करो ना। मैं महाराज हूँ। मजदूर हाजिर हो। अरे लल्ला
भगवान कैसे हो? बहुत बढ़िया मालिक, आपका आशीर्वाद है। तुम्हारा नाम क्या है ललन? ललन मालिक। अच्छा ललन है मालिक। उम्र क्या है? 21 मालिक। नहीं करोगी? कहाँ रहते हो? यही मालिक ऊपर में झोपड़ा बनवाया है महाराज। आधा क्या बनवाना है? हाँ महाराज, जियो का सिम लेना है। जियो यादी बाती। हाँ क्यों रे ललन, तूने इतना पतला चूना क्यों बनाया कि बकरी कमजोर हो गई, वो गिर गई और इसकी दीवार मर गई? कोई तो मरा है ना, जरूरी क्या है मरना? पानी वाले ने ना उसमें चूना ज्यादा गिरा दिया, चूना ने पानी ज्यादा गिरा दिया, पानी तो चूना पतला हो गया, तो वो थोड़ा फायदे का कमजोर बन गई, तो वो गिर गई। नहीं नहीं रो मत, रो मत, मुझे भी रोना आ रहा है। अरे इसको भी भगा दिया? हाँ। तो न्याय कैसे होगा, फांसी किसे देंगे हम? महाराज इसमें इसकी गलती नहीं थी। अच्छा तो गलती किसकी है? गलती पानी वाले। ठीक है जाओ एक ग्लास पानी लेकर आओ। अरे महाराज पानी वाले की गलती है फांसी। हाँ हाँ तो पानी वाले को बुलाना है। हाँ। तो पानी वाले को बोलो एक ग्लास पानी लेकर आए। पानी वाला हाजिर हो। सवाल क्यों रे पानी वाले, तूने चूने में पानी इतना ज्यादा क्यों डाल दिया कि चूना पतला हो गया, दीवार कमजोर बनी, गिर गई और इसकी बकरी मर गई? अरे बकरी नहीं, बकरी मरी है। कुछ समझ में नहीं आया, ये कौन समझाएगा मुझे? तूने अपनी सवारी, अपनी यात्रा इतनी धूमधाम से क्यों निकाली? महाराज मैंने सोचा जरा नगर की सैर कराऊं, है ना, इसलिए सवारी मैंने धूमधाम से निकाली। उसी चक्कर में पानी वाले ने ज्यादा पानी मिला दिया, वो चूना पतला बन गया
कमजोर बन गई, वो दीवार गिर गई, इसकी बकरी मर गई, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने सोचा। महाराज वो मंत्री है, वो सोचेगा नहीं तो क्या करेगा? मंत्री लोग नहीं सोचते। महाराज इसे फांसी दे दो। इसको फांसी नहीं होगी। ठीक है तो तुम्हें फांसी होगी। बुलाओ जल्लाद हाजिर हो। तुमने कुछ काम नहीं किया। हाँ महाराज, किसको टांगना है बताओ? हाँ इसे। अरे महाराज दीपक सिंह को। अरे झूठ। हाँ इसे फांसी दे दो। महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ करो। ये जो आपका शाही खिलौना है ना, इसमें दो बूंद नारियल का तेल रोज डालने का मस्त फिक्की मारेगा, रोज घुमाते रहना था। ठीक है चलो फांसी दे दो। एक समस्या आ गई है। क्या? इसका गर्दन मोटा है या फन्ना छोटा? फांसी कैंसल? नहीं फांसी होगी। नगर में जिसका भी गला इस पल्ले में आता है उसे फांसी दे दो। तुम्हें आधा घंटा दिया जाता है, अगर 7 मिनट में तुम नहीं आए तो 5 मिनट के बाद तुम्हें फांसी। तो 5 मिनट बोलो ना। न्याय होगा। अरे भैया ये ना चौपट राजा का दरबार और ये हमारे साक्षात चौपट राजा। अरे महाराज आप तो महान हो। बाकी अट्टा के सर का सिस्टम कैसे मैनेज कर लेता? राम भरोसे। महाराज आपका महल एकदम ब्यूटीफुल है, क्या गधे पाल रखे आपने? अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बहुत ही अच्छा लगा। पूरे महल में घूम लो और फिर चले जाना। महाराज जगुजी भी यूज करे। महाराज फांसी गल्ला फंदा। अच्छा ये है वो। हाँ इसे फांसी दे दो। एक मिनट भाई, किस खुशी में फांसी? दुख दुख दुख। ये देखो दुखी औरत, अबला नारी। कल्लू बनिया जो था ना उसकी दीवार गिर गई और दब के इसकी बकरी मर गई, इसकी वजह से तुम्हें फांसी। महाराज ना ही मैं कल्लू बनिया हूँ, ना ही मैं बकरी हूँ, ना ही मैं दीवार, तो फांसी का फंदा मुझे क्यों दे रहे हो? गला। ये फंदा इस गले में आ रहा है इसलिए तुम्हें फांसी। महाराज आपका सिस्टम तो एकदम बेहुदा है। फांसी दे दो। एक मिनट भाई, एक मिनट। महाराज एक बार फांसी से पहले हम अपने गुरु जी से बात करना चाहते हैं। कर लो। मैं गुरु जी को बुलाता हूँ। गुरु जी हाजिर हो। अरे भाई वो हमारे गुरु जी है, उनके लिए एक स्पेशल सॉन्ग है, वो गाना पड़ता है। जय जय किसकी बकरी मर गई, किसकी दीवार गिर गई और फांसी का फंदा मेरे गले में आके लग रहा है। अच्छा कहा था तुमसे, जिस नगरी में शिक्षा और ज्ञान नहीं मारे ना उचित, अगर राजा ऐसा होगा
तो प्रजा का क्या हाल हो? अरे गुरुजी अभी ज्ञान ज्ञान मत दो गुरुजी, ज्ञान मत दो। किसका प्रेम करता है? बता लो गुरुजी। महाराज मैं अपने शिष्य से कुछ बात करना चाहूंगा। तो अभी क्या कर रहे हो? अच्छा पहले बातें कर रहे थे, अब बात करनी है। पर एक मिनट भाई, क्या क्या तुमका प्रॉब्लम क्या है? गैस वैस हो गया क्या तुमका? एक काम करो, सुबह शाम दो ग्लास गोमूत्र पी लेना, ठीक हो जाएगा। तो फिर पीछे से फांसी महाराज, हम फांसी के लिए रेडी हो। हाँ ठीक है फांसी दे दो। महाराज मैं फांसी में चढ़ना चाहूंगा। अरे गुरु जी हम आपके शिष्य हैं, हम चढ़ेंगे ना फांसी। गुरु कौन है? मैं चढ़ूंगा फांसी गुरु जी। मैं। एक मिनट, ये मैं क्या है? मैं क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तुम मना कर रहे थे, अब दोनों तैयार हो गए फांसी चढ़ने के लिए, ये माजरा क्या है? अरे महाराज हमारा गुरु जी का एक लॉ है जो गुरु जी समझाएंगे। महाराज स्थितियों के अनुसार जो इंसान आज फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मैं मरूंगा कौन है? तो फांसी कौन चढ़ेगा? महाराज महाराज अब जोड़ के बच जाए।